गाजियाबाद के थाना विजयनगर बाईपास पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसा, जिससे वहां मौजूद महिला पुलिस, एक सिपाही और दर्जन भर लोग उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे की वजह गाड़ी के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, जहां चालक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नवबारा समाचार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार की रिपोर्ट। मोहिनी आप बेफिक्र हो, पता हो जैसे क्या। जी मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार नाम है। सुनील, कहाँ पे ये हादसा हुआ, कितने लोग थे? ये विजयनगर चौक पे हादसा हुआ था, वहाँ से पीछे से गाड़ी आई है ओवर स्पीड पे। क्या था वो गाड़ी, कौन सी? एकदम गाड़ी ने ओवरटेक करा। कौन सी गाड़ी? वो गाड़ी 709 थी, लोड गाड़ी थी 709, टाटा 709 गाड़ी थी, पूरी लोड थी गाड़ी। उस गाड़ी ने ओवरटेक किया और ओवरटेक शायद ब्रेक फेल हुए गाड़ी के, ब्रेक फेल गाड़ी ने मतलब बचाया, बहुत कोशिश की उसने भी बेचारे ने, पर क्या है ना। कितने लोग कुचले गए जी? कम से कम 10-12 लोग हैं जो घायल हुए, काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, इसमें के 2 या 3 डेड तो हो गए हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट है, जिसमें कि एक महिला पुलिस भी है और महिला हमारे साहब भी हैं, पुलिस कर्मचारी भी हैं उसमें बीच में, उनके काफ़ी चोट आई हैं शायद, और दो या तीन से उसमें डेड हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले विजयनगर बाईपास पे एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्परता से मौके पर पहुंच के सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें हॉस्पिटल आने पर ज्ञात हुआ कि 3 लोग मृत हो चुके हैं, बाकी 5 लोगों का इलाज MMG हॉस्पिटल में कराया जा रहा है।